द फिल्म वाइट टाइगर को आए हुए काफी समय हो चुका है और अब बहुत बड़ी खबर आ रही है वाइट टाइगर की टीम के लिए। क्या है वो खबर, आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों द फिल्म वाइट टाइगर की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और इसको काफी ज्यादा प्यार मिला था और कलाकारों की एक्टिंग को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था लोगों और क्रिटिक्स के द्वारा। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा और आदर्श गौरव आपको मेन लीड में दिखे थे। ये फिल्म एक नॉवल से इंस्पायर्ड है और उस नॉवल को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है लोगों द्वारा। और अब इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इसके लीड एक्टर यानी आदर्श गौरव को नॉमिनेट किया गया है बाफ्ता अवार्ड 2021 के लिए। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने खुद अपने सोशल मीडिया पे आके इस न्यूज़ की कंफर्मेशन दी है और उन्होंने बधाई दी है आदर्श गौरव को। अगर हम आदर्श गौरव की बात करें तो उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे आके एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने डायरेक्टर का जिनका नाम है रमीन बहरानी और उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है। फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। और अगर हम एक्टर्स की नॉमिनेशंस की बात करें तो आपको नॉमिनेशंस में नजर आएंगे रिज अहमद, लेट चैडविक बोसमैन, मैड्स मिकलसन, एंथनी हॉपकिंस और अगली नॉमिनेशन है इंडियन एक्टर आदर्श गौरव की। अगर हम प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वो इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने ये भी लिखा है अपने ट्विटर पे आके कि मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ इस टीम का हिस्सा बनके और इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनके। जी हाँ, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी द वाइट टाइगर को नॉमिनेट किया गया है। तो अब देखना यही बाकी है कि द वाइट टाइगर बाफ्ता अवार्ड जीत पाती है या नहीं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आदर्श गौरव पे और द फिल्म वाइट टाइगर पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।